आजकल आपने देखा होगा कि गर्ल्स को बैड बॉयज बहुत पसंद होते हैं। तो एक लड़का मतलब एक लड़की है बैड बॉयज को पसंद करती है। तो चलिए आ चुकी हूँ फिर से एक नई वीडियो के सामने जिसमें आज हम बात करने वाला है व्हाई गर्ल्स लाइक बैड बॉयज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक लड़की है वो बैड बॉयज क्यों पसंद करती है, क्या रीजन होते हैं। आखिर बैड बॉयज होते हैं वो तो बेकार बॉयज होते हैं, लेकिन फिर भी लड़की उन्हें पसंद करती है, ऐसा क्यों है, और जेंटलमैनों को छोड़ देती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन में आपके दूर कर देती हूँ। बैड बॉयज का मतलब होता है अनसुलझा। अनसुलझा से आप इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा कि क्या होता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं है। कहने का मतलब होता है कोई भी चीज होती है जब वो मिस्ट्री टाइप में होती है ना, अनसुलझी होती है, गुत्थी होती है, तो उसे सुलझाने में बड़ा मजा आता है। आपके माइंड में आपने देखिएगा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है या फिर कोई सवाल एक ऐसा आ जाता है। क्वेश्चन और सवाल में क्या फर्क है, मैं क्या कह जाती हूँ मैं यार कभी कभी। तो मेरा कहने का मतलब कभी कभी हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बहुत ही अनसुलझी होती है, हम उन्हें चाहकर भी सुलझा नहीं पाते, लेकिन हमारा दिमाग है बार बार उधर ही जाता है। जब तक हम उसे सुलझा नहीं लेते, उसे सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक हमारे दिमाग से वो चीजें हटती नहीं है। तो कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। लोगों को कुछ इस तरह के इंसान पसंद होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, जिनमें बहुत सारी मिस्ट्री होती है, गेम भी पजल वाली चीजें होती हैं। तो लड़कियां होती है कुछ इस तरह के लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि सीधे साधे लड़कों को लड़कियां ये सोचती हैं आजकल की कुछ स्मार्ट लड़कियां कि मतलब थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ऐसा समझना नहीं चाहिए, बहुत गलत थिंकिंग है। मेरा ऐसा मानना है जेंटलमैन भी बहुत अच्छे होते हैं, बैड बॉयज भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बैड बॉयज होते हैं हर समय अच्छे नहीं होते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब अनरिसॉल्व होती है वो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा भाती है, तो कुछ ये भी रीजन हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज देखिए, बैड बॉयज होते हैं वो कूल रहना पसंद करते हैं, एकदम बिंदास वाली चीजें उनमें रहती है। अब जेंटलमैन होते हैं वो तो बेचारे सीधे साधे होते हैं, थोड़े से इस टाइप के कपड़े भी चहलते हैं, लेकिन जो कूल एकदम बिंदास स्टाइलिश बॉय होते हैं, बैड बॉयज होते हैं, वो कुछ इस तरह से एकदम ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, हेयर स्टाइल भी एकदम डिफरेंट लगता है, तो इसलिए भी लड़कियां उन्हें पसंद करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका लुक है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा तो आप सामने वाले को जल्दी से इंप्रेस कर सकते हो। तो ये चीज़, ये खासियत मैं कहती हूँ लड़कियों या लड़का दोनों में होनी भी चाहिए, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि आपका लुक ऐसा हो, आपकी पर्सनलिटी ऐसी हो जो सामने वाले को एकदम से मतलब अट्रैक्ट कर ले, इंप्रेस कर ले। एंड थर्ड थिंग्स एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा एक मायने रखता है। कभी कभी यही एटीट्यूड आपकी लाइफ को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एटीट्यूड का मतलब क्या होता है समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, अगर आपको कोई फ़ोन करता है और हर बार फ़ोन करके कहता है कि यहाँ आ जाओ और मिल लो, मेरी ये हेल्प कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप चले जाते हो, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हमेशा यही होता है, और आप उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो, तो एक दिन यकीन मानिए ऐसा आता है कि जब आप उसके लिए हर टाइम अवेलेबल होते हो तो सामने वाला आपकी जो मैं कहती हूँ एक वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सामने वाला आपको इज्जत देना बंद कर देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको क्या समझता है ढाली है, हमेशा आ जाता है हेल्प करने, तो वो आपको मतलब छिछोरा टाइप का समझने लग जाता है। लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से बनानी है, कुछ एटीट्यूड अपना इस तरह से बनाना है कि सामने वाला अगर कोई आपको फोन कॉल करे तो आप एक बार में उसे यस ना करें। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आप जब किसी के लिए ओवर अवेलेबल हो जाते हो, हर टाइम अवेलेबल हो जाते हो, तो पार्टनर है, सामने वाला है, आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर देता है, रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होती चली जाती है। आई नो आपको ये बहुत ज्यादा अजीब और गरीब लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लास्ट एंड मेन थिंग इज, एक बैड बॉय लड़कियों को इसलिए भी पसंद हो सकते हैं क्योंकि बैड बॉयज के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। यानी कि जो कूल टाइप के बंदे होते हैं, जो एकदम फ्री रहना चाहते हैं, उनके पास क्या होता है, टाइम होता है, और नहीं भी होता तो वो निकाल लेते हैं। जेंटलमैन होते हैं वो तो बेचारे हमेशा यही कह जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, ये हूँ, ये काम कर रहा हूँ, घर में हूँ, मम्मी है, पापा है, इस तरह का कुछ। लेकिन जो कूल बिंदास बॉय होते हैं तो वो हमेशा कैसे भी करके अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, और मैं कहती हूँ होना भी चाहिए ये। किसी भी गर्ल्स को, किसी भी इंसान को वही इंसान पसंद होता है जो उसको टाइम दे। जब आप किसी को टाइम ही नहीं दोगे तो सामने वाला खाक आपकी वैल्यू करेगा, खाक आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खाक आपसे रिलेशनशिप में जुड़ेगा, आपको लाइक ही नहीं करेगा। तो एक ये रीजन भी बहुत जरूरी होता है। जेंटलमैन होता है बेचारे, वो घर में ही रह जाते हैं या फिर ऑफिस का बहुत ज्यादा ओवरलोड है, हमेशा यही कहने लग जाते हैं कि मम्मी है, पापा है, ये है, वो है, ऑफिस का काम है, वर्कलोड है, तो इन सब चीजों में वो टाइम नहीं दे पाता है, इसलिए भी लड़कियां उन्हें छोड़कर चली जाती है। और वो जो बैड बॉयज होते हैं टाइम निकाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को कैसे भी करके, तो इसलिए उन्हें टाइम दे देते हैं और लड़कियां उन्हें पसंद करने लगती है। तो आई थिंक एक मेन जो पॉइंट है, मेन रीजन है, वो यही हो सकते हैं कि एक लड़की एक बैड बॉयज को पसंद करती है। और बैड बॉयज का मतलब यहाँ पे गलत या बिगड़े हुए लड़के से नहीं है, बैड बॉयज का मतलब यहाँ पे कूल एकदम रोमांटिक बंदे से है, और मैं मानती हूँ कहीं ये गलत भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मुझसे जुड़ने के लिए नीचे लिंक है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की, जाइए मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।